गाइस, वेलकम यू ऑल टू श्री बालाजी कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि लेगेसी बायोएस और यूईएफआई बायोएस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों बायोएस में क्या फीचर्स हैं और दोनों बायोएस में से कौन सा बायोएस है जो प्रेफर है यूज के लिए, जो इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर अ कॉमन मैन, जिसे समझ कर आप आसानी से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बायोएस के बाद जब हम विंडोज को इंस्टॉल करने लगते हैं तब हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव की, जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस होती है उसके हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। और वो कितने तरह के पार्टीशंस होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और कौन सा पार्टीशन जो है वो प्रेफर है यूज के लिए, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टीशंस ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। आज हम आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के जो पार्टीशन टेबल्स होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशन टेबल्स वी हैव, डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी काइंड ऑफ पार्टीशन टेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच काइंड ऑफ पार्टीशन टेबल एंड विच पार्टीशन टेबल इज प्रेफर्ड टू यूज, MBR versus GPT। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि MBR और GPT ये दो तरह के पार्टीशन टेबल होते हैं जिससे हम अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्टोरेज स्पेस होती है उसके हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं और फिर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर द पार्टीशंस ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टीशंस होते क्या हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पार्टीशंस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरेज स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। जो पार्टीशंस होते हैं, जैसे कि हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 500 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि 500 GB की जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें से हमको 465 GB स्पेस ही यूज करने को मिलता है। जो रेस्ट 35 GB स्पेस होता है वो हार्ड डिस्क अपने खुद के प्रॉपर रनिंग के लिए अपने पास रख लेती है और बाकी का जो 465 GB स्पेस है वो हमें प्रोवाइड होता है ताकि हम उसके पार्टीशन बना सकें। और पार्टीशन होते क्या है, जैसे कि हमारी टोटल 465 GB की स्पेस है और उसको हम तीन या चार भागों में डिवाइड कर देते हैं और हम अपने पार्टीशंस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो हमारी ड्राइव्स होती हैं उनको हम पार्टीशंस बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ वी नो व्हाट आर द पार्टीशंस ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी हम समझ गए हैं कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव की जो पार्टीशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होती हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में हमें फ्रीली पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इनको हम पार्टीशंस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 7 OSC, ये एक हमारा पार्टीशन है, ये एक 48.83 GB का पार्टीशन है जिसकी जो स्पेस है वो भी अनएलोकेटेड है। ये भी हम आपको अपनी अगली वीडियोज में बताएंगे कि लोकेटेड और अनएलोकेटेड स्पेस क्या होती है, प्राइमरी और लॉजिकल पार्टीशंस क्या होते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्या होते हैं, ये सब हम आपको अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल तीन पार्टीशंस हैं जिसमें से जो दो पार्टीशंस हैं उनकी जो स्पेस है वो एलोकेटेड है और जो एक पार्टीशंस है जिसका कलर यहाँ पर ब्लैक में नजर आ रहा है इसकी जो स्पेस है वो अनएलोकेटेड है। ये चीज जो हमने आपको दिखाई ये आपको अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे और मैनेज में जाने के बाद आपको वहां पर डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको ये चीज जो है यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टीशन टेबल्स वी हैव। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पार्टीशन टेबल्स। फर्स्ट इज MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड सेकेंड इज GPT ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल, जो इसकी फुल फॉर्म है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं GUID पार्टीशन टेबल, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अपनी फर्दर स्लाइड्स में हम देखते हैं।
ये हमारे कुछ वर्कर्स हैं जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव को रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एमबीआर एंड जीपीटी डू। मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड जीपीटी यानी कि जीयूआईडी पार्टीशन टेबल आर टू डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग द पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ ड्राइव। ये दोनों डिफरेंट तरीके हैं हमारी पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो हम अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव में क्रिएट करते हैं। This information includes where partition starts and begin. ये information होती है कि कैसे यानी कि कहाँ से हमारा जो partition है वो start हो रहा है और कहाँ से हमारा partition end हो रहा है, हमारे partition में total कितनी space है। जैसे कि हमने अपनी C drive अभी create की है 100 GB की, तो हमारी C drive की जो space है वो 100 GB की है, वो हमारा एक partition है। उसके बाद हमने अपनी D drive create की for example 200 GB की, तो वो हमारा एक 200 GB का पार्टीशन है, उसकी एक अलग स्पेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे MBR और GPT पार्टीशन टेबल में इंक्लूड होती है। सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम नोज विच सेक्टर बिलोंग टू ईच पार्टीशन एंड विच पार्टीशन इज बूटेबल, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझ सके कि कौन से पार्टीशन को कौन सा सेक्टर जो है वो बिलोंग करता है और कौन सा पार्टीशन जो है वो बूटेबल है, ताकि वो वहां के विंडोज बूट मैनेजर से इंटरैक्ट कर सके और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो सके। दिस इज व्हाई यू हैव टू चूज MBR और GPT बिफोर क्रिएटिंग पार्टीशंस ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव। इसीलिए आपको MBR या GPT एक तरह का पार्टीशन टेबल जो है उसका चुनाव करना पड़ता है अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशंस क्रिएट करने से पहले। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि पार्टीशन टेबल क्या होते हैं। ये हमारे पार्टीशन टेबल्स हैं जो कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर जमा करके रखते हैं कि कहाँ से हमारा पार्टीशन स्टार्ट होता है और कहाँ पे हमारा पार्टीशन एंड होता है, उसकी टोटल स्पेस कितनी है, उसके सेक्टर्स कितने हैं, हमारा कौन सा पार्टीशन बूटेबल है और कौन सा हमारा पार्टीशन लॉजिकल है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन पार्टीशन टेबल में स्टोर होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं MBR पार्टीशन टेबल के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। इट इज यूज्ड फ्रॉम 1983 इन अ कंप्यूटर ऑफ IBM कंपनी। MBR की फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसे मास्टर बूट रिकॉर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे मास्टर सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे मदरबोर्ड की रोम चिप्स में प्री इंस्टॉल्ड होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर की पावर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो BIOS है वो रन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। यानी कि ये सभी सॉफ्टवेयर से यहाँ तक कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले लोड होता है, तो इसलिए इसको मास्टर बूट रिकॉर्ड बोला जाता है। इट इज कॉल्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड बिकॉज इट इज बूस्ट एंड रन्स एज अ मास्टर सॉफ्टवेयर व्हेन वी पावर ऑन आवर कंप्यूटर। दिस MBR सेक्टर कंटेन्स अ बूट लोडर इंस्टॉल्ड इन इट विच हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन। The bootloader in the MBR is a small bit of codes which help the Windows boot manager to load. हमारे MBR partition table के sectors में एक bootloader होता है जो कि वहाँ पहले से install होता है, जो कि हमारे Windows boot manager के साथ interact करता है और help करता है हमारे operating system को load होने में। ये जो bootloader होता है ये एक small bit of codes होता है जो कि हमारी रोम चिप्स में इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, जिसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। दिस MBR सेक्टर ओनली हैव अ बैकअप ऑन द सिस्टम ड्राइव फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। हमारा ये जो MBR पार्टीशन टेबल के सेक्टर्स हैं इनका जो बैकअप होता है वो सिर्फ हमारी सिस्टम ड्राइव में होता है और कहीं भी नहीं होता है। ये जो पार्टीशन टेबल है ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू यूज है। इट मेक्स वेरी इजी टू सिलेक्ट एंड बूटेबल डिवाइस वेदर इट इज योर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और यू आर गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू वन।
हमारे MBR पार्टिशनिंग टेबल में आप बड़ी ही आसानी से अपनी जो बूटेबल डिवाइस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या फिर आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, इजीली अपनी बूटेबल डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं और इजीली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू जीपीटी पार्टीशन टेबल। आगे हम बात करते हैं जीपीटी पार्टीशन टेबल की। जीपीटी स्टैंड्स फॉर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल, जो इसकी फुल फॉर्म है, विच इज लॉन्च्ड अर्लियर, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। इट इज अ न्यू स्टैंडर्ड पार्टीशन टेबल विच इज रिप्लेसिंग MBR वेरी रिस्पॉन्सिबली। ये एक नए स्टैंडर्ड का पार्टीशन टेबल है जो अभी हमारी MBR की पार्टीशन टेबल को बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है ये उसको रिप्लेस कर रहा है और अपनी जगह बना रहा है। विच एसोसिएटेड विद UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। Why it is called GUID partition table? इसको GUID partition table ही क्यों बोला जाता है, globally unique identifier partition table ही क्यों बोला जाता है? Because every partition on your disk have a unique identity. क्योंकि अगर आप GPT partition table का इस्तेमाल करके अपने partitions create करते हैं तो आपकी हर partition की एक अलग identity होगी जो उसको assign की जाएगी। Sometimes when upgrading Windows or installing a update version of Windows, we have to convert the partition from MBR to GPT. कई बार क्या होता है कि जैसे हम अपनी Windows को upgrade करने जा रहे हैं या हम अपनी system में एक अपडेटेड वर्जन ऑफ विंडोज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे सिस्टम में विंडोज 7 है और अभी हम अपने सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने MBR पार्टीशन टेबल को GPT पार्टीशन टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं और जब आप अपना बूटेबल प्रोसेस को कंप्लीट करके आप कस्टम इंस्टॉलेशन पर पहुंचते हैं जहां पर आप सिलेक्ट करते हैं कि हमको अपने कौन से पार्टीशन में अपनी विंडोज को इंस्टॉल करना है, तो वहां पर कई बार आपको एरर आता है कि अपने जो MBR पार्टीशन है उसको आप GPT पार्टीशन में कन्वर्ट करें। तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आप उसको सिंपली GPT पार्टीशन टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले आप अपने जो डेटा है उसका आप बैकअप क्रिएट कर लीजिए। इंटरनेट पर बहुत से तरीके बताए गए हैं जहां पर आपको CMD की हेल्प से या और भी बहुत से तरीकों से आपको MBR पार्टीशन को GPT पार्टीशन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप इन पार्टीशंस को कन्वर्ट करते हैं तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस 90% होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डेटा का बैकअप ले लें और उसके बाद अच्छा तो ये होगा कि आप अपने प्रीवियस पार्टीशंस को डिलीट कीजिए और नए सिरे से आप पार्टीशंस को बनाइए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का इन फर्दर सामना ना करना पड़े। अब उसके बाद हम देखते हैं कि MBR और GPT पार्टीशंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। MBR पार्टीशंस हैज मैक्सिमम partitioning size of 2 terabytes. MBR partition table की मदद से जब आप partitions को create करते हैं तो आप maximum partition का size जो है वो 2 terabytes तक रख सकते हैं, जहां की GPT partition में अगर आप partition create करते हैं तो यहां पर आप 9 zettabytes तक का partitioning size रख सकते हैं। MBR can have 4 primary partitions. MBR partitioning table में आप सिर्फ 4 primary partitions रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फर्दर पार्टीशन क्रिएट करना है तो आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंडर आपको लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। ये एक तरह से एक स्मॉल हैकिंग की तरह हो जाता है। जीपीटी पार्टीशन टेबल कैन हैव 128 प्राइमरी पार्टीशंस। जीपीटी पार्टीशन टेबल की मदद से अगर हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो हम 128 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लगभग अनलिमिटेड है। MBR is good for loading 2 operating systems on same system.
MBR partitioning की मदद से और legacy BIOS को यूज करके हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड कर सकते हैं अपने एक पीसी में, जबकि GPT Partition Table की मदद से जो कि UEFI को सपोर्ट करता है उसकी मदद से हम दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिंगल पीसी में। ऑन अ MBR डिस्क द पार्टीशन एंड बूट डेटा इज स्टोर्ड इन वन डिस्क ओनली। इफ वी हैव अ क्रैश इन दैट डिस्क वी कैन लूज आवर वैल्यूएबल डाटा एंड देन वी हैव टू इंस्टॉल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन। MBR पार्टीशनिंग टेबल में क्या होता है कि इसका जो बूट डेटा होता है वो सिर्फ एक ही डिस्क में स्टोर होता है, सिर्फ जो हमारी सिस्टम ड्राइव होती है, और अगर हमारी वो ड्राइव क्रैश हो जाती है तो हम अपना जो डेटा है वो हमारा लॉस हो सकता है और हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी दोबारा इंस्टॉल करना पड़ सकता है। जबकि ऑन द अदर हैंड इन जीपीटी पार्टीशन टेबल इट स्टोर्स द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा अक्रॉस द डिस्क एंड इफ वी क्रैश इन वन पार्टीशन ऑफ आवर डिस्क इट कैन रिकवर फ्रॉम द सेकेंड कॉपी ऑफ डेटा स्टोर्ड बाय इट। जबकि जीपीटी पार्टीशन टेबल में क्या होता है कि ये हमारे बूट डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उसे डिस्क के अलग अलग पार्टीशन में स्टोर कर देता है ताकि अगर हमारा एक पार्टीशन क्रैश भी हो जाए तो वह दूसरे पार्टीशन में से उस डेटा को रिकवर कर सके और हमारी विंडोज को लोड कर सके। MBR has no way to know if the data is corrupted or not. You only know about it when we have a operating system failed to load. MBR partitioning table में कोई भी ऐसा feature नहीं है जो कि ये जान सके कि हमारा जो boot loader का data है वो corrupt हो रहा है या नहीं हो रहा है। Simple argument में हम ये बताएं कि ये नहीं जान पाता है कि हमारी windows कि जो फाइल्स हैं वो करप्ट तो नहीं हो रही हैं, उनमें कोई वायरस तो नहीं आ गया है या कोई फाइल मिसिंग तो नहीं हो गई है। ये आपको सिर्फ तभी पता लगेगा जब आपकी विंडोज जो है वो लोड नहीं हो पाएगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड जीपीटी पार्टीशन टेबल कैन नोटिस द प्रॉब्लम एंड अटेम्प्टेड टू रिकवर द डैमेज्ड डेटा फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द डिस्क। जबकि GPT पार्टीशन टेबल में जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हमारे बूट डेटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है और उसे हमारी डिस्क के अलग अलग भागों में रख देता है, तो ये सेंस भी कर सकता है कि हमारी कोई फाइल करप्ट तो नहीं हो रही, हमारा डेटा करप्ट तो नहीं हो रहा, और उसको रिकवर करने की कोशिश भी करता है जो कि इसने मल्टीपल कॉपीज बना के हमारी डिस्क में रखी होती है, वहां से ये उनकी फाइल्स को रिकवर करता है और उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो आप जान चुके होंगे कि MBR और GPT पार्टीशंस क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है और कौन सा पार्टीशन टेबल जो है वो बेटर है यूज करने के लिए। MBR पार्टीशनिंग टेबल जो है वो हमारी पिछली विंडोज को सपोर्ट करता था, यानी कि विंडोज 7 तक। उससे आगे अगर आपको विंडोज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है, विंडोज 8.1, विंडोज 10 या फर्दर जो भी विंडोज आएंगी, वो UEFI BIOS को सपोर्ट करती हैं और GPT पार्टीशन टेबल से ही आप उसके पार्टीशन क्रिएट करें जो कि हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। बाय बाय।